हरे कृष्ण। मैं श्रीनिवास आचार्य दास स्कूल इंचार्ज हूँ और आज का जो ये भव्य आयोजन देख रहे हैं ये गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में किया गया है। ये गोवर्धन पूजा ब्रजवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है और इसको अन्नकूट भी बोलते हैं। भगवान को चौरासी तरह के व्यंजन चलाए जाते हैं अलग अलग टाइप के और इनकी अभी पूजा होगी और सारे भक्तों को कीर्तन करते हुए और इनके परिक्रमा करेंगे और आज सुबह से शाम तक अलग अलग टाइप के प्रोग्राम होंगे, भजन कीर्तन सत्संग और ये शाम तक चलता रहेगा और दो दिन की परिक्रमा होती रहेगी। हरे कृष्ण। इस पूजा का ये गोवर्धन पर्वत आज जब भगवान कृष्ण 5000 साल पहले यहाँ पर थे तो इंद्रदेव ने बहुत ही बारिश किया था, क्योंकि जब बारिश होने से पहले ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करते थे बारिश के लिए, तो भगवान ने किसी बनाए ये हमारे हलवा सूजी और तरह तरह के अलग अलग तरह के फ्रूट्स और अलग अलग तरह के सारे भक्त लोग व्यंजन बना के लाए हैं अन्नकूट है। आज यहाँ पूरे ब्रज में गोवर्धन के गोवर्धन की पूजा होती है या सूजी का उड़ाना है, क्या महत्व है इसका? हमने गिरिराज जी की सेवा के लिए पहले गोवर्धन गिरिराज जी को बनाया, उनकी हमारी पूजा हो चुकी है। अभी आज हम लोग अन्नकूट, ये सूजी नहीं है, अन्नकूट का हम लोग कर रहे हैं। इसमें 1000 किलो हलवा जिसमें राइस और फल फ्रूट और फल लगाए हैं। हरे कृष्ण। ये तो वो है राधा कुंड चलेगी ना वहाँ के।